नमस्कार एवरीवन, मैं आपका होस्ट विजय सिंह स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल होटल मैनेजमेंट गुरु में। आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट जरूर है। F&B सर्विस के अंदर जब हम रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं एज अ स्टीवर्ड या एज अ कैप्टन, तो हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है या कुछ हमारे चीजें हैं जो कि हमें ड्यूरिंग द ऑपरेशन हमें हेल्प जरूर करती हैं। तो आई होप थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टीवर्ड के या एक वेटर्स के क्या क्या टूल्स होते हैं जो कि उसको हमेशा अपने साथ कैरी करने होते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड्स क्या चीजें हैं जो कि उसको थ्रू आउट द ऑपरेशंस उसको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल जो स्टीवर्ड को रिक्वायर्ड है वो है आपके क्लिक पेन्स। यहाँ पे हमें दो पेन्स की रिक्वायरमेंट है, मींस जो आपके टिक टिक करने वाले पेन आते हैं वो हम यूज करते हैं। मान लीजिए आपका एक हाथ ऑक्यूपाइड है, किसी को पेन देना है, तो आप सिंपल क्लिक पे आप वो इजी टू ऑपरेट होता है, सिंपल क्लिक पे आप किसी को ओपन करके हम दे सकते हैं। और दो पेन्स की क्यों जरूरत है? इनकेस अगर एक पेन आपका खराब हो गया, चल नहीं रहा है या ऑक्यूपाइड हो गया किसी गेस्ट के पास, तो सेकेंड पेन से आप अपना इजिली ऑर्डर ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होंगे आप नोटपैड। यहाँ पे नोटपैड आपको ज्यादा बड़ा नोटपैड लेने की जरूरत नहीं है, छोटे नोटपैड की जरूरत है। और नोटपैड भी कौन सा? स्क्रिबलिंग नोटपैड, मीन जिसके पीछे आपकी स्पाइरल वायर होती है वैसा वाला नोटपैड आपको जरूरत है, क्योंकि वो भी इजी टू ऑपरेट होता है, उसको आप इजिली फोल्ड कर सकते हो, एक सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हो। साथ साथ में अगर आपने किसी गेस्ट को देना है तो वो नोट करके उसको आप वो टेयर करके आप इजिली उसको वो पीस ऑफ पेपर इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हो, बाकी चीजें क्या है वो आपका नोटपैड वैसे का वैसा ही रहेगा। तीसरे केस में हमें जरूरत पड़ती है वाइन ओपनर की। जो स्टैंडर्डाइज वाइन ओपनर में आपको फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसा वाइन ओपनर हमें चाहिए होता है, ना कि ऐसा वाला। जो वाइन ओपनर मैंने सजेस्ट किया आपको, ये सारा पर्पस सॉल्व कर देता है। बेसिकली आपके बियर के जो बोटल्स होती हैं उनको ओपन करने में बहुत कारगर रहता है, प्लस जितनी भी जो वाइन्स हैं, वाइन्स के जो कॉक स्क्रू है, ठीक है, उनको कॉक स्क्रू निकालने के लिए काम आता है, इजी टू हैंडल है, आराम से फोल्ड भी हो जाता है, ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड भी नहीं होती है इसके लिए। तो ये ऑल इन वन पर्पस। इसका जो नाइफ है ये बेसिकली वाइन और इनकी शैंपेन्स की जो बाहर की जो फॉइल होती है उसको काटने के लिए काम आता है, तो वाइन ओपनर आपका हो गया। चौथी चीज आपको चाहिए मैच बॉक्स। गेस्ट के लिए मैच बॉक्स बहुत जरूरी है। किसी का बर्थडे आया है, बर्थडे के दौरान हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे, जैसे किसी की एनिवर्सरी है, केक कटिंग करनी है या बर्थडे पार्टीज हैं, उनके लिए हमें वो मैच बॉक्स रखनी पड़ती थी। कुछ गेस्ट को स्मोकिंग करने के लिए उनको भी जरूरत पड़ती थी, तो स्मोकिंग के लिए भी वो गेस्ट के लिए हम मैच बॉक्स रखते, ऑल द स्मोकिंग लॉन्ज में मैच बॉक्स रखी होती थी, बट फिर भी गेस्ट हमसे लेके जाते थे। और लास्ट में हमारे पास पांचवा जो चीज है वो है आपका वेटर्स क्लॉथ। अब वेटर क्लॉथ का बहुत ज्यादा यूज है इन केस ऑफ सर्विंग द डिशेज, या जो भी आपके जो रेस्टोरेंट के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं जहाँ पे आपको गेस्ट को सर्व करना है, चाहे वो वाइन सर्विस की बात हो, चाहे वो आपके स्नैक सर्विस की बात हो, तो उसको अंडरलाइनर के तौर पे भी यूज करते हैं, तो वो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो पांच चीजें आपकी ये हो गई। इन पांच चीजों को आपने अपने साथ हमेशा कैरी करना है, पॉकेट में रखना है। आई होप ये पांच चीजें आपको पता लगी। छोटा वीडियो था बट यस इन्फॉर्मेशनल था। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस और देखने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये वीडियोस ऐसी वीडियोस और फ्रिक्वेंटली बनाता रहूंगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको अपनी अगली नई वीडियो में किसी नए छोटे टॉपिक या बड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।